देश के 17 राज्यों में आज भी तूफान का अलर्ट है। कल रात से ही देश के कई हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का मौसम सोमवार रात से ही बिगड़ने लगा है। हालांकि असली चेतावनी आज दोपहर बाद की है, जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की चेतावनी है। अभी की वास्तविक स्थिति ऐसी है कि अगले दो दिन में थंडरस्टॉर्म विद आइसोलेटेड प्लेसेस में रेनस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, इस टाइप से भी एक्टिविटी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कल की तरह आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम खराब रह सकता है। दिल्ली में देर रात आए तूफान की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, जबकि राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लोग आंधी और तूफान से बचते नजर आए। तूफान की आशंका को देखते हुए प्रभावित राज्यों ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। तूफान संभावित जिलों में प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कई जिलों में प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को आज बंद रखने का आदेश दिया है। अलग अलग राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान संभावित राज्यों में प्रशासन, दिल्ली में सेकंड शिफ्ट में चलने वाले सभी स्कूल बंद रहेंगे, हरियाणा में सभी स्कूल और कॉलेज बंद है, यूपी में आगरा, गाजियाबाद और मथुरा में स्कूल बंद है, जबकि नोएडा के कुछ स्कूलों में छुट्टी है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून और बागेश्वर में स्कूल बंद है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूल खुले रहेंगे। तूफान संभावित कई जिलों में मौसम के खराब होने की वजह से बिजली भी काट दी गई है।